नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सुपौल से है, जहां एक बड़ा हादसा देखने को मिला। निर्माणधीन कोसी पुल का स्लैब गिरने से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। तो सुपौल से बड़ी खबर, निर्माणधीन कोसी पुल का स्लैब गिरा, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। स्लैब के अंदर 8 से 10 मजदूर दबे हुए हैं, तो मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य भी जारी है। मौके पर अफरा तफरी मच चुकी है। निर्माण कंपनी के एक कर्मी ने इस हादसे की पुष्टि की है। बकौर में कोसी नदी पर बन रहा था ये पुल, जो कि गिर चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जिसमें 8 से 10 मजदूर दबे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए यहां पर प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। निर्माण कंपनी के एक कर्मी ने इस हादसे की पुष्टि की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी बिहार झारखंड पर। बकौर में कोसी नदी पर यह पुल बन रहा था, जो कि अब गिर चुका है, इसका स्लैब गिर चुका है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि 8 से 10 मजदूर अंदर दबे हुए हैं, निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको देखी दे रही है, सुपौल से तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर ये अपडेट, ये खबर आप देख रहे हैं, जो आपको बता दें कि एक निर्माणधीन पुल का स्लैब यहां पर गिर गया है, जिसके बाद से आप बता दें कि यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। 8 से 10 मजदूर अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जिनको निकालने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता स्वप्निल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी मिल पा रही है, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? क्या कि बताया जा रहा है कि दो प्राइवेट कंपनीज हैं, जिसके ज्वाइंट वेंचर से ये पुल का निर्माण हो रहा था, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यही आई है कि जो स्लैब है, एक स्लैब है, वो स्लैब ऊपर से नीचे की ओर गिरा है। और ये पुल अभी चालू नहीं हुआ था, ये पुल पर काम चल रहा था, निर्माण का काम चल रहा था। 7 से 8 लोगों के घायल होने की खबर है, कुछ कैजुअलिटी की भी खबर है, लेकिन उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है। मैंने वहां के तमाम अधिकारियों से बातचीत करी है, कुछ वेट करने पर तमाम और तस्वीरें साफ होंगी। अभी यही ऐश्वर्य अपडेट है कि जो ये पुल था, ये दो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, जिनके ज्वाइंट वेंचर से बन रहा था, और इसका एक स्लैब जो है वो स्लैब नीचे गिरा है। इस स्लैब को लेकर के पहले से भी अलर्ट जो ग्रामीण है, जिनसे मेरी बात हो रही है ग्रामीण से, उनका कहना है कि ये स्लैब पहले भी इसको लेके कौशन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई गंभीरता से काम नहीं किया गया। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीर ये बता रही है कि 7 से 8 लोग जो है वो घायल है इसके अंदर, और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है, ये भी खबर निकल के आ रही है, लेकिन इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है, सोर्सेज के हवाले से है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुपौल जिले में लगता है, माना जाए, मान के चलिए ऐश्वर्य, कि ये जो है बहुत लंबा पुल था, ये एक तरह से इस इलाके का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा था, जिसका स्लैब गिरा है, और स्लैब को हैंग करके ले जाया जाता है। देखिए ऐश्वर्य, प्रोसेस क्या है ना, कि जब पुल को बनाया जाता है, तो पुल का जो स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, सुपर स्ट्रक्चर में क्रेन के माध्यम से, ट्रॉलीज के माध्यम से स्लैब को लाके प्लेस किया जाता है। नीचे पाए होते हैं, और पाए के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर जो होता है, उसका जो पुल का खांचा होता है, उसको लाके प्लेस किया जाता है क्रेन के माध्यम से और हाइड्रोलिक के माध्यम से, वो इस ढंग से निर्माण होता है। इसी क्रम में एक स्लैब गिरा है, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं इसके अंदर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है, ये आधे घंटे के अंदर क्लियर होगा कि क्या किसी की मौत भी हुई है या लोग घायल हैं। अभी तक 7 से 8 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। स्वप्निल, देखिए, बिहार में निर्माणधीन पुल गिरना या स्लैब गिरना या पूरी तरीके से पुल जो बन जाता है उसका भी टूटकर गिरना, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी हमने ऐसे बहुत हादसे देखे हैं बिहार में, लेकिन बावजूद इसके ऐसी चीजें जो है रिपीट होती हैं, क्या प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा, जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, इस बात को लेकर के तो मैं सीधे तौर पर ये कहूंगा ऐश्वर्या कि कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। और जब अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरा था ऐश्वर्या, आपको तस्वीरें याद होंगी, मैं दर्शकों को याद होगा, ताज के पत्तों की तरफ पुल बह गया था। अगर ये स्थिति होती है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, ये अभी तक सरकार को बताना चाहिए कि अब क्या हुआ उस पर कार्रवाई, कहां तक पहुंची फाइल, कौन कौन निलंबित हुए, किनको सस्पेंड नहीं, डिसमिस किया गया,
कोई जानकारी अधिकृत तौर पर फिलहाल मैं नहीं कर सकता कि कोई कॉन्क्रीट जानकारी या कोई कार्रवाई हुई हो, कॉन्क्रीट कार्रवाई इक्का दुक्का किसी पर आई वॉश के लिए हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन कॉन्क्रीट कार्रवाई की जरूरत है। देखिए स्लैब का जो पिलर के मान के चलिए गार्टर कहते हैं इसको, इसको अगर टेक्निकल शब्द में कहेंगे तो गार्टर कहते हैं टेक्निकल शब्द में, लेकिन हमारे दर्शक इसको नहीं समझेंगे। गार्टर इसका मतलब होगा कि एक स्लैब, मोटे तौर पर समझा रहा हूँ, स्लैब जो होता है जो स्लैब से जोड़ जोड़ के पिलर बनता है वो गिरा है। और अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इसको लेकर के क्या प्रशासन जो है वो अभी भी लीपापोती में लगा रहता है, या ये कह दिया जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ ऐसा कह दिया जाता है, या वाकई जेन्युइनली कार्रवाई होती है। देखिए बिहार में पुल का गिरना अब ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग, मैं इस बात को नहीं कह रहा लेकिन ये जो गॉसिप है और जो चर्चा होती है पुल को लेके वो ये होती है कि बिहार के पुल से जितनी के नीचे से और ऊपर से जितनी जल्दी गुजर जाए वो अच्छा है, जितनी जल्दी गुजर जाए वो अच्छा है, ज्यादा समय न पुल के नीचे रहे ना पुल के ऊपर रहे, ये चर्चा तक होने लगी है। तो आखिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी कब और करना चाहिए सरकार को, ये सीधी बात है। बिल्कुल स्वप्निल, और आपने एकदम सही जिक्र किया कि इसके पहले भी जब हादसे हुए हैं तो ऐसे ही दो तीन दिनों तक चर्चा में बना रहता है, खबरें चलती हैं, कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन तीन चार दिनों बाद मामला जस का तस वैसे ही रहता है, शांत पड़ जाता है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। क्या वही चीज आज फिर से एक बार यहाँ पर देखने को मिलेगी, सुपौल में वही चीज अब देखने को मिलेगी, या एक्चुअल में कार्रवाई होगी? देखिए कहा ये जाएगा कंपनी के तरफ से जो इंजीनियर थे उनका टेक्निकल फॉल्ट था, मैकेनिकल फॉल्ट था, एक जांच टीम बना दी जाएगी, जांच टीम की रिपोर्ट जो है वो 3 महीने से 6 महीने में कहा जाएगा 3 दिन में रिपोर्ट देगी, 3 दिन में रिपोर्ट ना आकर के 3 महीने जो परिपाटी रही है लंबे समय बाद आएगी, फिर एक कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई तब सॉल्यूशन है ना जब स्ट्रिक्ट मैसेज आए, अगर कैजुअलिटी होती है यहाँ पे, यदि मौतें होती हैं, अभी तक हालांकि कोई मौत की ऑफिशियल तो जानकारी या सूचना नहीं है, अगर मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी सरकार को। सीधे तौर पर ये कह दिया जाता है कि जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आ रही है, अरे जांच रिपोर्ट आएगी लेकिन जो कैजुअलिटी यूज कर दी उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सरकार को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। देखिए अभी और इन्फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 6 से 8 लोग अंदर दबे हो सकते हैं, लेकिन इसका भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोग घायल थे उनको स्थानीय लोगों की मदद से और वहां के लोगों की रेस्क्यू टीम की मदद से वहां से हटाया और निकाला जा रहा है ताकि उनको सेफली पहुंचाया जाए हॉस्पिटल के अंदर, सदर अस्पताल जो है सुपौल का वहां उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, नजर बनाए रखिए, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा हादसा एक तरह से सुपौल में आज देखने को मिला, जहां निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर चुका है, जिसमें बता दें कि स्लैब के अंदर 8 से 10 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। हालांकि आंकड़े जो है अभी साफ तौर पर सामने निकल कर नहीं आया है, ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8 से 10 मजदूर जो है अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, हालांकि आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य वहां पर जारी है, मौके पर अफरा तफरी वहां पर मची हुई है, स्लैब के अंदर 8 से 10 मजदूर अभी वहां पर दबे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। सबसे पहले ये खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुपौल में किस तरह से एक बड़ा हादसा यहाँ पर होता है। तो स्लैब के अंदर आप बता दें कि 8 से 10 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चलाया जा रहा है, स्थानीय लोग भी पहुंच चुके हैं, वो भी वहां पर मदद कर रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। तो सुपौल में एक बड़ा हादसा आज देखने को मिला, निर्माणाधीन कोसी पुल का स्लैब जो है वो गिरने से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो चुका है, और स्लैब के अंदर 8 से 10 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। बेगूसराय में टाटा 407 सवारी गाड़ी और